हले बने माहौल केंद्री रखी पेशेंस तू छड़ दा शरीर मंगे वेंटिलेशन। So, अब तक तो आप सबने हाई ऑन मी सॉन्ग की वीडियो देख ली होगी। ये योयो हनी सिंह पाजी की ग्लोरी एल्बम से थर्ड म्यूजिक वीडियो है जिसमें उन्होंने एक बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट तलविंदर के साथ कोलैब किया है। सो आज हम इसी सॉन्ग का रिव्यू करने वाले हैं। हर चीज पे बात होगी तो वीडियो पूरी एंड तक देख लेना। सो जैसे कि टीजर के अंदर दिखाया गया था तलविंदर को पुलिस पकड़ते हुए लेके आती है। सो वहीं से इस गाने की स्टार्टिंग होती है। तलविंदर और हनी पाजी एक दूसरे से मिलते हैं। इस सीन में हमें भर भर के बाइक स्टंट्स देखने को मिलते हैं, कार्स देखने को मिलती है, डांसर्स, ग्रेफिटी, ऊपर से ट्रेन वाला व्यू तो एक नंबर था। जिस तरह का ये सॉन्ग है बिल्कुल उसी तरह की वीडियो बनाई गई है, एकदम एग्रेसिव। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वीडियो बहुत डार्क है, लेकिन ये चीज सॉन्ग से मैच करने के लिए की है। खैर, इस सॉन्ग के पहले वर्स में हनी पाजी अमेरिकन रैपर मीक मिल को मेंशन करते हुए कुछ ऐसी लाइंस बोलते हैं। सुन दिया मीक मिल पटा तो थिक मिल यारा से पासा सेव कर दिया चिक फिल। अगर आपको पंजाबी समझ नहीं आती तो प्लीज एक बार सॉन्ग को सुनते टाइम सब टाइटल्स ऑन कर लेना, आपको इंग्लिश में सब कुछ समझ आ जाएगा। पूरे सॉन्ग में लड़कियों की बात हुई है, जो हार्डकोर गैंगस्टर वाइब आप सभी को चाहिए थी वो इस सॉन्ग के अंदर देखने को मिली है। इस वर्ष के बाद तलविंदर की एंट्री होती है और भाई साहब हनी सिंह इज अ जीनियस। उन्होंने इस सॉन्ग के अंदर तलविंदर का पार्ट एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, मतलब लिरिक्स तो बस कहने की है। ये पार्ट सुन के आप अलग ही दुनिया में पहुंच जाओगे। खैर, इसके बाद हनी पाजी का फिर सेकंड वर्स आता है और भाई साहब जिस चीज ने इस सॉन्ग की सबसे ज्यादा हाइप बनाई थी वो चीज देखने को मिलती है। हनी पाजी ग्लोब ऑफ डेथ के साथ नजर आते हैं। इसके बाद फिर हमें तलविंदर की तरफ से सॉन्ग का हुक सुनने को मिलता है, लेकिन इस सीन में अगर आप सबने नोटिस किया हो तो हनी पाजी कुछ ऐसा करते हुए नजर आते हैं जो कि जॉन सीना का फेमस सिग्नेचर मूव है, यू कांट सी मी। ये चीज किस किसने नोटिस करी थी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इसके बाद फिर हनी पाजी का थर्ड और लास्ट वर्स आता है और भाई साहब इस सॉन्ग का ये पार्ट सबसे ज्यादा एग्रेसिव होता है। हनी पाजी क्या ही खतरनाक रैप करते हैं, एकदम गैंगस्टर वाइब आती है, वही 2009-2010 वाली वाइब। हले बने माहौल केंद्री रखी पेशेंस तू छड़ दा शरीर मंगे वेंटिलेशन। इस वर्स की एक लाइन मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी जो कि जियान और गिरफ्तार पे शॉर्ट्स है। वो बोलते हैं कि मैं अपने दुश्मनों से बहुत समझदारी से डील करता हूँ, अगर तुम्हें नहीं पता तो मेरे बारे में फैक्ट्स को दो बार चेक कर लेना। आगे वो बोलते हैं कि मेरा म्यूजिक बजते ही सबके पाप धुल जाते हैं। गीत सुनते ही पाप सारे धुल जाने, यो हनी सिंह बीट करे बैपटाइज, यो हनी सिंह बीट करे बैपटाइज। सो ओवरऑल ये गाना एक बैंगर है। हनी पाजी के म्यूजिक की मैं जितनी भी तारीफ करूं वो कम है। ये बंदा म्यूजिकली एक जीनियस पैदा हुआ है, भगवान ने स्पेशली पाजी को इसी काम के लिए भेजा है। वहीं लियो भाई की लिरिक्स ने इसमें चार चांद लगाए हैं। जिस तरह से हनी पाजी ने रैप किया है उनका फ्लो, एग्रेशन, वोकल सब एक नंबर था। तलविंदर भाई ने भी इस सॉन्ग के अंदर एक अलग ही जादू किया है, साथ में वीडियो शूट भी एक नंबर है। बस एक छोटी शिकायत है कि जो हम सब ने इस सॉन्ग की एक स्टोरी एक्सपेक्ट करी थी कि वो देसी कलाकार की तरह होगी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बाकी वीडियो बहुत बढ़िया है। हनी पाजी जो ग्लोब ऑफ डेथ के अंदर रैप करते हुए नजर आते हैं वो सीन सबसे बेस्ट था। सॉन्ग आने से पहले जो कुछ लोग इसे हनुमान काइंड के बिग डॉग्स की वीडियो से जोड़ रहे थे उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि हनी पाजी को कैसे ट्रोल करें। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मजा आ गया भाई। खैर, पूरा का पूरा सॉन्ग खतरनाक है, मुझे तो भाई फुल मजा आ गया। बाकी आपको सॉन्ग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पूरी एल्बम को इसी तरह सुनते रहो। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।